मेरठ में जिला प्रशासन मुस्तैद है। सबसे बड़ी टेंशन है कोरोना के बढ़ते मामले। लोग अक्सर सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन को दरकिनार करके घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें कोरोना के बढ़ते मामलों से कतई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए प्रशासन ने अब सख्ती दिखाने का फैसला किया है। जिला प्रशासन ने मेरठ में 12 जगहों पर हॉटस्पॉट घोषित किया है। हॉटस्पॉट घोषित करने का मतलब वहां सील से भी कड़ी पाबंदी होगी, और अगर इस बार लोगों ने कानून तोड़ा तो वो कानून के डंडे की मार खाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस बार जिला प्रशासन ने ड्रोन से भी निगरानी शुरू कर दी है। सर, मेरठ में 11 स्थानों को हॉटस्पॉट्स बनाया गया है, आप उसी जगह खड़े हैं जहां से पहला पेशेंट मिला, किस तरीके से पालन कराया जा रहा है और किस तरीके सर लोगों में एक पैनिक मचा हुआ है, लोग सामान खरीदने के लिए कल भी निकले, पेट्रोल पंप जो देहात के हैं वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाया जाएगा? देखिए, कल जब कंप्लीट लॉकडाउन की बात आई थी तो कुछ सोशल मीडिया से इस तरह से बातें फैल गई कि पूरे शहर में लॉकडाउन कराया जा रहा है और इस पे तात्कालिक रूप से कुछ लोग सामान की ख़रीदारी करने के लिए निकल पड़े थे। वो कल शाम तक चीज़ों को बता दिया गया, लोग अलर्ट भी हो गए और अब स्थितियाँ पूर्णतया सामान्य हैं और पूरे जोन में ऐसी 37 जगहें हैं जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उनको कंप्लीट लॉकडाउन शासन के निर्देशानुसार किया गया है। ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि वहाँ प्रॉपर छिड़काव, वहाँ सफाई और जो एसेंशियल सप्लाईज हैं वो उचित दर पे और उचित मात्रा में ऑन डिमांड हम मुहैया कराएं। इसके लिए कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक कार्य कर रहा है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि प्रत्येक कॉल जो हमें रिसीव होती है उसको प्रॉपर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करें और प्रत्येक जगह जो सामान गया है और कहाँ से सामान गया है इसका भी हम रिकॉर्ड रखें ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग मास्क को पहने और शासन के निर्देशों का अनुपालन करें और हम लोग पूरी तरीके से सभी आवश्यक सामग्री सही समय पे सप्लाई करने के लिए कटिबद्ध हैं, सक्षम हैं, किसी तरह के सामान की कोई कमी नहीं है। पहले कम्युनिकेशन में पुलिस की और जो जनता के बीच में जो थोड़ा सा था लॉकडाउन के बाद में कितना बदलाव आया, ये चीज़ें इसका क्या प्रभाव पड़ा है? जब चीज़ें सामान्य होंगी तो पुलिस पब्लिक रिलेशन को देखा जाएगा। हमारे हिसाब से जिस तरह से पुलिस ने इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन में कार्य किया है उससे पुलिस की छवि भी अच्छी होगी और जनता का भी व्यवहार और जनता की सोच पुलिस के प्रति बेहतर। सर, लोग बाग जरूरत बन की दवाई लेने घर से निकल रहे हैं, पुलिस रेगुलर उनका चालान कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें आवश्यकता है वो फ़ोन भी कर सकते हैं और वैसे सारे चीज़ें नोटिफाइड हैं, उनको हम घर होम डिलीवरी भी कराएंगे। ये जब पुलिस उनको चेक करती है तो इस चीज़ का बहाना भी बनाते हैं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिनके पास प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंट हो और उसका किसी तरीके से पुलिस ने उत्पीड़न किया। मेरठ में पुलिस की सख्ती रंग भी ला रही है। सुबह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के सायरन और पुलिस की बूट की आवाज आती है। 9 थाना इलाकों की 12 जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया है और हॉटस्पॉट इलाके में महा कर्फ्यू लागू है। मेरठ के कई हिस्सों में सुबह से ही एडीजी प्रशांत कुमार और कमिश्नर अनीता मिश्राम के साथ साथ जिले के सभी आला अधिकारी गश्त कर रहे हैं। सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो समझो उसकी खैर नहीं। किस प्रकार की तैयारी, जैसे कोई क्षेत्र जो प्रतिबंधित क्षेत्र थे जो जोन थे वो कुछ बड़े हैं इसमें? देखिए, अभी वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 12 हॉटस्पॉट चिन्हित करके उनको पूर्ण रूप से सील किया गया है। उसमें आम पब्लिक का मूवमेंट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, कोई भी घर से नहीं निकलेगा। जहाँ तक एसेंशियल सप्लाईज की ज़रूरत है वो हम लोग इंश्योर करेंगे डोर स्टेप डिलीवरी। मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई होती है तो उसको हमारी एम्बुलेंस उसको अटेंड करेगी, वो आपको खुद घर से बाहर निकलने के लिए ज़रूरत नहीं है। और बाकी इन सभी क्षेत्रों में हम दो एक्टिविटीज़ इंश्योर कराएंगे, एक तो पूरी गहनता से सैनिटाइजेशन पूरा इन क्षेत्रों का प्रॉपरली, और दूसरा पूरा घर टू घर एक एक घर का हम लोग सर्वेलेंस कराएंगे कि किसी भी घर में कोई भी सस्पेक्टेड अगर केस है, किसी में कोई लक्षण है इस टाइप के, उनकी हम स्क्रीनिंग कराएंगे जिससे उनको हम आइसोलेट करके आगे कार्रवाई करें। जो हॉटस्पॉट जोन जो क्षेत्र हैं क्या उनके आसपास के भी कुछ इलाकों को बाकी तो देखिए लॉकडाउन चल ही रहा है,
जो लॉकडाउन है वो तो पूरे जनपद में चल ही रहा है। ये जो 12 है, जो 12 हॉटस्पॉट हैं, ये वो हैं जहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, और बाकी पूरे जनपद में अन्य क्षेत्रों में तो लॉकडाउन है ही, निकलना तो कहीं भी अलाउड नहीं है, इनमें बिल्कुल ही अलाउ नहीं करना है। ये है अभी जो आशंका जताई जा रही है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है, जैसे शायद कोई शासन आदेश आता है तो वो शासन निर्णय लेगा, जैसे निर्णय लेगा उसी हिसाब से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। मैम, सरकारी किचन कितनी बनी है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको किस तरीके से खाना पहुंचाया जाए? देखिए, वर्तमान में जो कम्युनिटी किचन है जिला प्रशासन द्वारा भी चलाई जा रही है, खुद की नगर निगम भी चला रहा, बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाएँ भी जो हैं इस समय पर कुक फूड और ड्राई राशन उपलब्ध करा रही है, और पूरा सबको सिंक्रोनाइज करके हम लोग जितने भी ज़रूरतमंद हैं या वेज अर्नर्स हैं, डेली वाले, रिक्शा वाले हैं, उनको हम लोग खाने की जो सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, अच्छी खासी संख्या में उपलब्ध कराई जा रही है, स्पॉट पे जाके उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल, इस समय हर चीज़ डोर स्टेप है, पब्लिक को इकट्ठा कहीं होना ही नहीं है, ना हम लोग कहीं किसी को बुला रहे हैं, सबको वहीं पर जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल एक्वायर करें वहाँ पर PPE जो किट है उनकी कमी बताई जा रही है? कोई कमी नहीं है, वर्तमान में जितने पेशेंट हैं हमारे पास, जितने हॉस्पिटल हैं, सब जगह पर्याप्त संख्या में वर्तमान में उपलब्ध है, और जैसे जैसे मरीज आ रहे हैं सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो निर्धारित है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत सबको अटेंड किया जा रहा है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर, सुरक्षा को लेकर के क्या क्या इंतजाम? ये सारी व्यवस्था है, कहीं कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, सारी सुरक्षा की व्यवस्था है हॉस्पिटल्स में, उनके आवास पे कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आई है, सभी बिल्कुल जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत पूरी कार्रवाई पूरी गंभीरता से की जा रही है। मेरठ में 14 अप्रैल तक यही हालात रहने वाले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को जिसने भी तोड़ा वो फौरन जेल जाएगा। पुलिस लोगों की मदद भी कर रही है, इलाके में अगर कोई भी परेशानी होती है तो फौरन पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर लोग मदद मांग सकते हैं। मेरठ से पंकज बालियान की रिपोर्ट।